राम जन्मभूमि मामले के मुख्य पक्षकार निर्मोही अखाड़ा के सरपंच दिवंगत महंत भास्कर दास की अंतिम यात्रा आज उनके आश्रम फैजाबाद के नाका हनुमानगढ़ी परिसर से धार्मिक नगरी अयोध्या के सरयू तट के लिए रवाना हुई। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अयोध्या के संतों ने दिवंगत महंत भास्कर दास के लिए रथ तैयार किया, जिसके बाद महंत भास्कर दास को उस पर आसीन करने के बाद अंतिम यात्रा नगर के फतेहगंज चौक, साहबगंज, अमानीगंज, बेनीगंज के रास्ते निर्मोही अखाड़ा की अयोध्या शाखा पर पहुंची, जहां पर परंपरागत रूप से अखाड़े के संतों ने दिवंगत महंत को श्रद्धांजलि दी। इस सब यात्रा में हजारों की संख्या में संत, महंत और नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। करीब 8 किलोमीटर का सफर करने के बाद दिवंगत महंत भास्कर दास की शव यात्रा रामनगरी अयोध्या के सरयू तट के किनारे पहुंची, जहां पर नम आंखों के बीच राम जन्मभूमि मुकदमे के मुख्य पक्षकार और निर्मोही अखाड़ा के सरपंच महंत भास्कर दास का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर रामनगरी अयोध्या के सरयू तट के किनारे धार्मिक नगरी अयोध्या के लगभग सभी वरिष्ठ संत मौजूद रहे। महंत भास्कर दास के निर्धन पर बाबरी मस्जिद मामले के पैरोकार हाजी महमूद ने भी महंत भास्कर दास के निर्धन पर शोक जताया और कहा कि कोर्ट कचेरी और मुकदमा अपनी जगह है, लेकिन महंत भास्कर दास हम सभी के लिए पूजनीय थे और उनसे मेरा बेहद करीबी लगाव था। मैं उनका बहुत सम्मान करता रहूंगा और उन्होंने निधन में मुझे बहुत दुख पहुंचा है। सरयू तट के किनारे मौजूद अन्य विशिष्ट अतिथियों में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश पाठक, गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू, अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सांसद लल्लू सिंह, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव सहित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आज प्रातः 3:30 पर अंतिम सांस लिया, ऑक्सीजन लगा था उनको, कंटिन्यू था। बीच में हालत ठीक हो गई थी, लेकिन बाद में दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हुई सांस लेने में, तो फिर 3:30 पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। फिर हम लोग लेकर के आए, ये लगभग 89 साल के। मुकदमा 1959 से लड़ रहे, कंटिन्यू फैजाबाद के बाद उच्च न्यायालय, अब सुप्रीम कोर्ट में। संत समाज की तो क्षति है ही, साथ में जो एक हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में महाराज जी 6-7 दशक से लगातार श्री राम मंदिर के लिए जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, वो प्रभावित होगी और उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन ही महाराज श्री का समर्पित रहा। महंत श्री भास्कर दास जी महाराज आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उसकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नवीन मंडी परिसर में एक किसान कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सांसद ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए अगले 10 साल में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने हर किसान से गेहूं खरीद कर किसानों को भारी फायदा पहुँचाया है। इसमें जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। इसमें कई दर्जन किसान को ऋण माफी का प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस मौके पर विधायकों के अतिरिक्त सुधीर सिंह सिद्धू, मनोज श्रीवास्तव, अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे। कुछ ऐसा कि सरकार ने कहा था लघु एवं सीमांत कर्जे को माफ किया जाएगा, उसको देखते हुए सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में इसको माफ कर दिया। धान की खरीद पर क्या चर्चा हुई आज? धान की जैसे हम लोग गेहूँ क्रय केंद्र लगाया था, सेम उसी पे हम लोगों ने गेहूँ क्रय केंद्र लगाया, चूंकि मैं मिल की पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उससे भी पूछा गया अगर और ज़्यादा आपको क्रय केंद्र खोलने हैं तो भी सरकार आपके साथ है, वो खोल देगी, पर किसी प्रकार से किसानों का नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अभी तक किन्हीं सरकारों ने आज तक आज़ादी से 70 वर्षों के बाद में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है, उसमें भी आज तक किसी भी सरकार ने नवीन मंडी में या कहीं स्थलीय मंडी में कभी भी ऐसा कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जो किसानों की चिंता कर सके। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित की बात करती है। जैसे हमारी सरकार पहले बनी थी तो हमने एक काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड। हमारी सरकार बेमौसम बारिश में उनके फसल का अच्छा मूल्य मिले,
उनके फसल का बीमा के अनुसार उनको सही दाम मिले उसको हमने दूना किया, वो भी आपको दिखाई दिया होगा पूर्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूर्व नगर पालिका सभासद एवं बीजेपी नगर अध्यक्ष सुधीर कुमार नाग ने प्राथमिक विद्यालयों की बदहाली को देखते हुए पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर उसका स्तर सुधारने का आश्वासन दिया है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के संग हवन किया एवं वहां शिक्षक की मांग पर एक पंखा व एक निःशुल्क शिक्षक दो दिन में उपलब्ध कराने का वादा किया है। इस मौके पर ओम मोटवानी, सांसद लल्लू सिंह, संग्राम सिन्हा, भाजपा महिला प्रकोष्ठ की अशोका द्विवेदी, रीना द्विवेदी आदि मौजूद रहे। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मदिन है 17 तारीख को। हमारे नगर अध्यक्ष सुधीर कुमार सिद्धू जी ने, सुधीर कुमार नाग ने इस विद्यालय को गोद लिया। इसका सर्वांगीण विकास की चिंता नगर अध्यक्ष जी हमारे करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने एक पूर्व संध्या पर ही, एक दिन पहले ही, क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए मोदी जी का जन्मदिन यहाँ बनाया है, हवन करके मोदी जी की दीर्घायु की, स्वस्थ रहने की कामना, राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी नगर के कार्यकर्ता, बच्चे और यहाँ की प्राध्यापिका ने मिलकर किया। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ, मेरा नाम सुधीर कुमार नागौर सिद्धू है, भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ। इस विद्यालय को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक व्यवस्था बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि इस विद्यालय को हमने गोद लिया है और इस विद्यालय के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ के बच्चों की जो दशा है, जो दिशा है, उसका भी हम अपने संज्ञान में लेकर के जितना भी हमसे हो सकेगा और जो भी सहयोग हमको बाहर से मिलेगा लोगों से करवाएंगे और यहाँ पर विकास जब होगा तो बच्चों का भी विकास होगा। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये सुधरेंगे तो हमारा देश भी सुधरेगा। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।